ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 25 दिसंबर 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जो बच्चे देवान में बैठे हुए हैं, आत्मिक स्मृति नहीं है, ज्योति बिंदु आत्मा याद ही नहीं आती है, उनको नहीं समझाते हैं, क्योंकि समझाने वाला रूहानी बाप है जो सदैव रूह की स्टेज में रहता है, कभी देह को धारण करता ही नहीं। उसकी बुद्धि देह में नहीं धरी रहती। जिस देह में प्रवेश करता है उस देह में भी उसकी बुद्धि नहीं धरी रहती। बच्चे समझते हैं कि हम तो बहुत बेसमझ बन गए थे। जो अपन को देह समझते थे, आत्मा जानते ही नहीं थे। माया रावण ने बेसमझ बनाई दिया था। माया रावण देहभानी है ना? माया रावण के देवान को दिखाने के लिए उसको इतना बड़ा बनाते हैं। देह बड़ी होती है, आत्मा छोटी होती है। नहीं, हम तो देवता थे जो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित रहते थे। देवता से बंदर बन पड़े, मनुष्य को ही बंदर बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि मन कोई स्थायी ठिकाने पे टिकता नहीं है, सदैव मन चलायमान रहता है। बच्चे समझते हैं बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई दुनिया की स्थापना होनी है। इसलिए 3 चित्र भी दिखाए हैं। कहा जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। करण करावनहार है ना? एक है जो करता है और कराता भी। करने वाला करता है, फिर करता कैसे है? क्योंकि जिस तन में प्रवेश करता है वो करता है, और सुप्रीम सोल उसके द्वारा कराता है। तो बताओ पहले किसका नाम आवेगा? करने वाला पहले या कराने वाला पहले?
पहले जो करता है उसका नाम पहले, फिर जो कराता है, जिस द्वारा कराते हैं करण करावनहार कहा जाता है। जरूर एक ही रूप है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, उसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवताएं होते हैं, और तो कोई को भी देवी देवता नहीं कहा जाता। सतयुग में मनुष्य नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं का मन एकाग्र रहता है, आत्म की स्थिति में रहते हैं, इसलिए सतयुग में मनुष्य होते ही नहीं है। है एक ही देवी देवता धर्म, वहां दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बरोबर हम देवी देवताएं थे, जिनकी मंदिरों में निशानियां भी हैं। जैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सभी की अपनी अपनी निशानियां हैं। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं थे, फिर और सभी धर्म हैं। तो देखो, देवी देवता धर्म नहीं है। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु उनको कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और विनाशकाली प्रीति बुद्धि तुम बच्चे बनते हो। विनाश तो इसी समय होता है जब बाप आते हैं, और बाप आते ही भी हैं संगम पर, जबकि दुनिया चेंज होती है, नई और पुरानी का संगम है। बाप तुम बच्चों को बदली में सभी कुछ नया देते हैं, वो सोनार भी है, धोबी भी है, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सोना बनाए कर देते हैं। जेवर भी सच्चा बन जाता है, ये शरीर जेवर है ना। सतयुग में तुमको सच्चा सोने का जेवर मिलेगा, और बाप धोबी भी है। तुम्हारे पुराने कपड़े लेकर के तुम्हें नया कपड़ा देवे, वो बाप बड़ा व्यापारी भी है,
बिरला कोई बाबा से व्यापार करे, इस व्यापार में जो बाबा के साथ व्यापार किया जाता है उसमें तो अथाह फायदा है। जैसे पढ़ाई में बहुत फायदा होता है, फिर महिमा भी की जाती है। पढ़ाई ही तुम्हारी कमाई है, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूं, इस पढ़ाई में तुमको अथाह कमाई है। सो भी एक जन्म के लिए कमाई नहीं है, जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो एक जन्म के लिए पढ़ते हैं, कमाई भी एक जन्म होती है। वो भी हो न हो, इसमें तो सर्टेन है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए, और ये पढ़ाई बहुत अच्छी रीति सहज सहज पढ़ाता हूं। नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। सिर्फ एक हक्ता समझो, फिर बल कहां भी चले जाओ, विलायत में चले जाओ, वहां भी तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी। फिर कभी भी तुम्हारी लिंक नहीं टूटेगी। ये आत्मा और परमात्मा का लिंक है, गीता में भी ये अक्षर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, और प्रीति बुद्धि विजयते, क्योंकि लिंक जुटा हुआ है। तुम जानते हो इस दुनिया में तो ये सभी जंगली जानवर हैं, एक दो को मारते काटते ही रहते हैं। इन जैसा क्रोधी विकारी और कोई होता ही नहीं है। ये भी गायन है, द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया तुम सभी द्रौपदियां हो, कलयुग अंत में ये दुर्योधन दुशासन तुम सबको नगन करते हैं। ये पुरुष है सब दुर्योधन दुशासन है, द्रौपदी ने ही पुकारा है हमको नगन करते हैं। तो बाप समझाते हैं कि देखो कैसे कैसे अत्याचारी होते हैं, ऐसे अत्याचारियों को जानवरों से भी बदतर कहा जाता है। गऊ एक ही बार बैल के बाड़े में जाती है, फिर कब बैल की बाड़ी में खुद नहीं आवेगी।
बैलों के सामने आवेंगे ही नहीं, लड़ पड़ेंगे। परंतु यहां तो मनुष्य देखो कितने गंदे हैं, इसलिए द्रौपदी ने पुकारा है हमको नग्न करते हैं। और जुआ की भी बात है ना, तुम्हारी तो तन मन धन समय संपर्क की बाजी है, फिर कहते हैं दुशासन मुझे नग्न करते हैं। ये भी आया है कि द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला हूं, मुझे हाथ नहीं लगाओ, नगन नहीं करो। परंतु यहां के मनुष्य तो ऐसे हैं जो भल कुछ भी हो तो भी काला मुंह किए बगैर रहेंगे नहीं। तो कहेंगे बंदरों से भी बदतर हैं, सचिव में तो नग्न होने का हुक्म ही नहीं है। इस समय तो दुनिया में घोर अंधियारा है, बाप देख रहे हैं कितना गंध है। ऐसे ऐसे कामी कुत्ते हैं जो छोड़ते ही नहीं है। कहते भी हम ऐसे ही हैं तो हम नगन भी करते हैं। बाप कहेंगे द्रौपदी के पास ज्ञान है तभी तो पुकारती है, जानती है कि बाप आया हुआ है। ये बड़े गंदे मनुष्य हैं, तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ऐसी ही बात है, भगवान वाच, बाप कहते हैं बच्चे अभी भी कार में मत जाओ, एक जन्म की ही तो बात है, मैं तो तुमको स्वर्ग में ले जाता हूं, अभी तुम सिर्फ मुझे याद करो। अभी विनाशकाले है परंतु किसी भी की भी सुनते नहीं है, और आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। बाप कितना उनको कहते हैं शांत करो, ये मौज मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, परंतु अशांति ही बने रहते हैं, शांति धारण ही नहीं करते। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं, कितने मनुष्य मरते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मनुष्य की अगर वैल्यू है, महिमा है, तो जरूर कहेंगे इन देवी देवताओं की ही है। और अभी तुम ये बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और तुम ब्राह्मणों की महिमा तो इन देवी देवताओं से भी जास्ती है।
क्योंकि तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। इन देवताओं को तो देवताएं ही पढ़ावेंगे, परंतु देखो बाप से पढ़ने वाले भी कितने नीचे तमो प्रधान हैं। बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े। 25/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। मैं तो सदैव ही तमो सतो प्रधान हूं। फिर भी देखो मैं कहता हूं कि मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूं। अब विचार करो हम कितने छी छी बन गए, और फिर बाप आकर हमको कितना वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मेहतरों को पढ़ाते हैं, और फिर पढ़ाई पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत में आया हूं, तुम सभी को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। तो बीच में थोड़े ही चला जाऊंगा, सतो प्रधान देवता बना करके ही जाऊंगा। अभी तो तुमको पढ़ाए रहा हूं, तुम मेहतरों में भक्ति करने वालों में कोई समझ नहीं है, फिर भी देखो अपना घमंड कितना रहता है। ये कितने क्रोधी होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं इन साधुओं का भी उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। इसलिए ये भी लगा हुआ है जो अपन को ईश्वर कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य है। तुम्हारा एक गीत भी है, साधु संत महात्मा ये अक्षर बेमाना, मेहतर उनसे बेहतर है जो खाते मेहनत का खाना। क्योंकि अगर ये मेहनत मेहतर न हो तो दुनिया में कितना गंद हो जावे। साधु संत आदि न हो तो उन्हें बिगर कुछ होगा ही नहीं। ये भारत तो और ही तमो प्रधान पतित बन जाता। और ये साधु संत तो वास्तव में और ही पतित बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बन गए? किसने बनाया? कहेंगे जो अपन को ईश्वर कहते हैं उन्होंने बनाया। बाप कहते हैं वो तो बड़े से बड़े बेवकूफ ठहरे जो मुझे गाली भी देते हैं और सभी को गिराते भी हैं। कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, गायन भी है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि विनश्यते। प्रीति बुद्धि विजयते। अब प्रीति और विपरीत बुद्धि निराकार बिंदु के लिए कहा जाता है या साकार के लिए कहा जाता है?
तो कहेंगे द्वापर से विपरीत बुद्धि। अभी फिर जितना जितना प्रीति बुद्धि रहेंगे तो बहुत याद करेंगे। अभी बाप कहते तुम्हारा ही उतना फायदा है, लड़ाई का मैदान है ना। माया तुमको बाप की याद भुलावेगी, विपरीत बुद्धि बनावेगी। ये साधु संत आज भी ये नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो हिंसक युद्ध समझ लिया है, कौरवों और पांडवों की युद्ध बैठ दिखाई है। अभी कौरव संप्रदाय भी है, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु यहां युद्ध तो कोई भी नहीं है। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। पंडा बाप के बच्चे हैं ना, और बाप से प्रीति बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते ही नहीं और बाप से विपरीत बुद्धि है। बाप को ही गाली देते रहते हैं। तो ये अक्षर तो बहुत समझने लायक अच्छे अच्छे हैं। अभी संगम है, तुम जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो बुद्धि से काम लेना है। अभी देखो दुनिया कितनी बड़ी है और सतयुग में कितने थोड़े होंगे, छोटा झाड़ होगा वही झाड़ फिर बड़ा होता जाता है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जो उल्टा झाड़ है, परंतु ये भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए, और इस वृक्ष का नॉलेज तो बहुत सहज है। कोई भी झट बता सकते हैं। इस वृक्ष का नॉलेज ऐसा सहज है, परंतु ह्यूमन वृक्ष है, परंतु इन मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। बल कहते हैं गॉड इज क्रिएटर, तो क्रिएट करने वाला जरूर चैतन्य बीज होगा ना। क्रिएटर होता ही है चैतन्य, और साकार भी होगा। बाप सत्य है, चैतन्य है, सत चित्त आनंद कहा जाता है ना, वो ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है ये भी कोई नहीं जानते। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। इनसे नहीं होती है, किनसे? इनसे माने जो बाजू में बैठा है, कौन? ब्रह्मा।
तो बाप बेट समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है और झाड़ों को अच्छी रीति जानते हैं। कितना नई नई प्रकार की सैंपलिंग लगाते रहते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो वो बतलाता, परंतु वो तो जड़ हैं। तो अभी तुम बच्चे रचयिता और रचना के राज को जानते हो। ऐसे रचयिता बाप को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे। और जो आम आदि होते हैं उनका बीज तो व्यापक है, जो लगाया जाता है और फिर वो झाड़ निकलता है। जैसे नीम का बीज है, उसमें कड़वाहट भरी हुई है, तो जड़ों में भी कड़वाहट होती है, तने में भी होती है, टहनियों में भी कड़वाहट होती है, फूल और फलों में भी कड़वाहट होती है, पत्ते भी कड़वे होते हैं। तो क्या कहेंगे, सर्वव्यापी कहेंगे या एक व्यापी कहेंगे? हैं? जरूर कहेंगे सर्वव्यापी है। वो जड़ झाड़ है और ये तो चैतन्य है। सतचित्त आनंद का सागर कहा जाता है। जो चैतन्य है तो बातचीत कर सकते हैं, बोलते चालते को ही चैतन्य कहा जाता है। जितने भी दुनिया में जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं के बीच में मनुष्य का तन सबसे अमूल्य गिना जाता है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। ये बात बाबा आकर आत्माओं को समझाते हैं। नहीं तो आज की सारी मानवीय जनरेशन ने मनुष्यों का मूल्य ही खत्म कर दिया। मनुष्यों का कोई मूल्य नहीं। कुत्तों को कार में घुमाते हैं, खीर पूरी खिलाते हैं। बाप कहते हैं तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। बाप ज्ञान का सागर है, उस सागर से तुमको रतन मिलते हैं। दिखाते हैं ना रामायण में कि सागर ने थालियां भर भर के दी। किसको किसको दी? अरे राम लक्ष्मण बंदरों आदि को थालियां भर भर के दी ना। ये ज्ञान सागर है और ज्ञान के रत्न है। इन ज्ञान रत्नों की बदौलत तुमको वह रत्न भी ढेर के ढेर मिल जाते हैं और एक जन्म नहीं मिलते, जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाते हैं। यूं कहें ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जाते हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण को देखो कितने रतन हैं। हीरों जवाहरातों के महलों में रहती हैं। उनका नाम ही है स्वर्ग।
जिस स्वर्ग के तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब होता है, उस गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो चरिए खरिए बन जाते हैं। बाप भी कहते हैं माया तुमको बिल्कुल ही चरिया बना देती है। ये माया आधा कल्प के लिए जीत पाई लेती है, तुमको आगे चल के बतावेंगे कि माया कितने अच्छे अच्छे महारथियों को भी हप कर जाती है। आगे चल के कब बतावेंगे है? बेड़ों देना बाबा, सभी बेड़ों। आगे चल के बतावेंगे माने भविष्य में जब माया आखिरी पेपर लेगी तो कितने चरिए खरिए बनते हैं, बड़े बड़े महारथी को भी हप कर लेगी, एकदम खलास कर देती है। कहते हैं ना, खुदा को ही कहते हैं खुदा खैर करे, नहीं तो बस गए के गए। तुमने सर्प को देखा है ना, सर्प मेंढक को कैसे हप कर लेता है, जैसे गज को ग्राह हप कर लेता है। ये माया रूपी ग्रह है, हाथी रूपी महारथी है, मेंढक जब कूदता है तो उसकी कुदान के टाइम पर ही सर्प उसको पकड़ता है। पुरुषार्थ में भी जंप होती है ना, यहां से जैसे गोरा दिखाई पड़ता है तो माया भी ऐसी है। बच्चों को जीते जी पकड़ करके एकदम खलास कर देती है। पच्चीस बारह अड़सठ की वाणी का तीसरा पेज ऐसा खलास करती है जो कब फिर बाप का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर गठन में जाकर गिरते हैं, योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है तो तुम बच्चे भी विश्व की बादशाही को हप कर लेते हो। जो फालतू की ट्रां ट्रां करने वाले हैं ज्ञान की, ऐसे मेंढकों को खलास कर देती हो। तुम सारी विश्व की बादशाही ले लेंगे चुपके से, तो बाप तुमको कितना अच्छी युक्ति सी बताते हैं। सहज युक्ति है, कोई भी हथियार आदि नहीं देते। बाप तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दिखाई दिए हैं, गीता में ही उल्टा सुल्टा कर दिया है। तमो प्रधान होने के कारण गीता को भी तमो प्रधान बनाई दिया। फिर थोड़ा सा कुछ रह जाता है,
आते हैं मैलून मिसल, तब फिर बाप आते हैं। इस समय तुम भी कहेंगे हम क्या बन गए थे। जो चाहिए सो कहो, चाहे कुछ भी कहो, हम तो थे ही ऐसे। बल हैं तो मनुष्य, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना, इसलिए उन गुणवान देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर अपने लिए कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इतना बेअकल बन पड़े हैं। इस समय सारी दुनिया निर्गुण है, अर्थात कोई गुण नहीं है, एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है, उस बाप कोई नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। अभी विनाश तो होता ही है और नई दुनिया स्थापन होती है, तो उसको कहा जाता है विनाश काले। और ये अंतिम विनाश है, बड़े से बड़ा छोटा मोटा विनाश तो 2500 साल से होता ही आया, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि नहीं होगी। बेचारे मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। इसीलिए इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। तो बाप इस समय की हालात बताते हैं, नई दुनिया में और पुरानी दुनिया में फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल हो गया है, कल भारत क्या होगा, आज ये है। तुम कहां होंगे, तुम बच्चे तो जानते हो। वो है इनकी दुनिया है, वो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां हीरे जवाहरात होते थे, वहां कितने हीरे जवाहरात तुम्हारे महलों में होंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम नहीं होता है। इन मंदिरों से ही फिर मस्जिदों आदि में ले गए हैं। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ा ही होगा, एक भांति का बनाऊंगा तो उनको देख करके और भी आवेंगे। जो बनाते रहेंगे, एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूट कर ले गए। मंदिर भी लूटा, धन भी ले गए, फिर मंदिर को तोड़फोड़ करके अपना यादगार मस्जिद बनाया। तो देखो दीवालों में कितने पत्थर लगाते हैं। अब इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी, इतनी सी जरी हीरे का भी कितना दाम होता है। बाबा तो जवाहरी था, एक रत्ती के हीरे का भी दाम होता था।
बेचते थे 90 रुपया रत्ती। अभी तो कीमत 1000 रुपए हो गई है और फिर हीरा मिलता भी नहीं है, बहुत वैल्यू बढ़ गई। इस समय विलायत आदि की तरफ बहुत धन है, परंतु सतयुग के आगे तो उनका ये धन कुछ भी नहीं था। अभी बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाकी कहेंगे 8 वर्ष हैं। तो ऐसा सुनकर के मनुष्य हंसते हैं, कॉन्सेशन की वाणी है। कौन से हीरे जवाहरातों की बात की है? बाप कहते हैं मैं इस संगम युग में कितना समय बैठूंगा, कहां तक बैठा रहूंगा, मुझे यहां बैठने में कोई मजा आता है क्या? कोई समझते होंगे बाबा को तो बहुत मजा आता होगा, अरे मैं तो न सुखी होता हूं न दुखी होता हूं, मेरे ऊपर तो ड्यूटी है पावन बनाने की, स्पेशल ड्यूटी क्या है? तुम यह लक्ष्मी नारायण जैसे थे सो अभी यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूं। तुम जानते हो हम फिर वो बनने वाले हैं, अभी ये तुमको ये समझ आ गई है कि हम इस दैवी घराने के भांति थे, हमारी राजाई थी, फिर बाद में और धर्म वाले आने लगे, अभी ये चक्र पूरा होता है। चक्र पूरा होगा तो सिर्फ दुनिया में हमारी राजाई रहेगी और धर्म वालों की राजाई खलास हो जाएगी। और तुम ये भी समझते हो कि लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ विलायत में तो बहुत आराम से मरेंगे, एटम बम फटा और 1 सेकंड में खलास, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। कौन बैठ किसको देखेंगे और कौन किसकी भाखी पहनेंगे? वहां नई दुनिया में तो ये भाखी आदि पहनने की रस्म ही नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? कोई सोचते होंगे तो हमें नहीं जाना वहां, क्योंकि वहां तो देवन होगा ही नहीं। तो देखो उन विलायत वालों का मौत तो बड़ा सहज है, यहां तो भारत में कितना दुखी होकर के मरते हैं, क्योंकि तुमने नई दुनिया में सुख बहुत देखा है तो दुख भी तुमको बहुत देखना है। वो दुख तुम खुश हो करके देखेंगे
या रोते बिलखते हुए देखेंगे। ब्रह्मा बाबा में और तुम्हारे में क्या फर्क है? उनको तो मात्र साक्षात्कार हुआ विनाश का, तो क्या करने लग पड़े? रोने लग पड़े। अभी बाप कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, यहां भारत में तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हुए हैं, वहां दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। कहां कहां शक्ति होती जाएगी? अरे विदेशियों की दुनिया में, विदेशों में दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। फिर उनका सब कुछ छीन लेंगे। जो अभी कुदक के चाय जाग चले जाते हैं विलायत में कमाने के लिए, मेहलमानियां अटारियां बनाने लग पड़ते हैं, खाली हाथ आना पड़ेगा। बैंक में जो जमा किया है वो निकालने भी नहीं देंगे। वापस आना भी बहुतों का मुश्किल हो जाएगा। आने के लिए 10,000,00,000 देंगे तो मुश्किल से टिकट मिलेगा। कितना देंगे है? विदेशों में जब विनाश होगा उससे पहले ही वहां बहुत शक्ति होने लगेगी। वो समझते हैं ये लड़ाई शांत हो जाएगी। जैसे पहले भी कई बार आत्मिक युद्ध होने होने को हुआ और फिर शांत हो गया, परंतु ये शांत तो होनी ही नहीं है। मिर्वा मौत, ये जानवर बुद्धि हैं जो स्वदेश की सेवा छोड़ करके विदेश में जाते हैं। मिर्वा मौत मलूक का शिकार, तुम तो शिकारी हो, यहां बैठे बैठे शिकार करोगे, विश्व की बादशाही का शिकारी हो ना, तुम देवता बनते हो। तो जब देवता बनेंगे तो इस कलयुगी पति सृष्टि पर आ ही नहीं सकेंगे। गीता में भी है भगवान वाच, विनाश भी देखा तो स्थापना भी देखी, साक्षात्कार हुआ ना। ये सभी प्रकार के साक्षात्कार अंत में होंगे, देखेंगे फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय रोवेंगे भी बहुत और पछतावेंगे भी बहुत, बहुत सजाएं खावेंगे, फिर कर कुछ भी नहीं सकेंगे। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है, फिर बहुत पछतावेंगे, अपने नसीब को कूटेंगे, क्योंकि स्मृति तो आती है ना। तुम देखेंगे कि साक्षात्कार बगैर सजा किसी को मिल नहीं सकती,
साक्षात्कार करावेंगे कि कैसे कैसे अपने बुढ़े माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं विदेश में कमाई कमाने। अपनी मौज मस्ती याद रहती है, माँ बाप भी भूल जाते हैं। सभा बैठती है, ताम्रध्वज मोरध्वज की कथा भी है ना, आगे चल के सभी को साक्षात्कार होता जाएगा। अभी तो बड़ी बड़ी आफतें आनी हैं, तुम तो जीते रहेंगे। तुमको खुशी में रखने के लिए साक्षात्कार कराते रहेंगे। पच्चीस बारह अड़सठ की वाणी का चौथा पेज। तुमको तो कोई भी प्रकार का रंज होने का नहीं है। जैसे कुरान में भी लिखा है, विनाश बरपा होगा तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तुम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे तो तुम अभी विपरीत बुद्धि और प्रीति बुद्धि को समझते हो। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप को कितना प्यार करते हो, वो विपरीत बुद्धि तो कह देते हैं ठिक्कर भित्तर कुत्ते बिल्ले गधे जैसे में भी परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प आकर के पढ़ाता हूं। क्या कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापी हूं। ये भी बताता हूं कि मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं और गुरु भी हूं। ऐसा और कोई नहीं हो सकता। परंतु ये बात भी बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को अहंकार आ जाता है। अभी बाप ने देखो मुरली चलाई है तो ये है तुम्हारी आत्मा का भोजन। अभी फिर तुमको टोली खिलाते हैं, वो है शरीर का भोजन और ये है आत्मा का भोजन। ये आत्मा का भी तो शरीर का भी भोजन है, क्योंकि आत्मा को टेस्ट तो आती है ना, ये मीठा है और ये कड़वा है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। बाप भी आत्माओं को पढ़ाते हैं। अपन को आत्मा समझना है, इसमें बहुत मेहनत है। इसे एक जन्म में ही ये इंसान पास करना है। कौन सा अपन को पक्का पक्का सदैव आत्मा समझना और बहुत प्यार से बाप को याद करना है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।